हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स वेरी वेरी स्वागत है आपका हमारे बिल्कुल जी आपका बेहतरीन परिवार है और जहां पर आज सर हमें कुछ ऐसी चीज लेकर आए हैं बच्चों exactly. के लिए जिसमें अगर कोई फोकस करता है इस पर राइट right. तो आई थिंक कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और आप साठ, सत्तर, 80 100 डिपेंड करता है आप कितनी सिद्धत से exactly. फॉलो करते हैं ज्यादा मार्क्स स्कोर right. कर सकते हैं राइट right. सर बहुत बार मैंने देखा है अपने करियर में कि बच्चों right. की बहुत बेहतरीन तैयारी होती है साल भर इतनी मेहनत करी टॉप रैंक में आ रहे हैं लेकिन एंड मोमेंट पे जो आखिर के दो तीन दिन में कुछ जो खास बातें फॉलो करनी है hmm. बच्चे वो नहीं कर पाते और जिसकी वजह से रैंक नीचे रह नीचे, रह वो जो घंटे होते हैं बिल्कुल, अकसर, बिल्कुल, और ये exactly. उन बच्चों के साथ ज्यादातर होता है जिनकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी होती है जिन्हें क्लासरूम टीचर्स कहते रहते हैं कि यू विल बी द टॉप रैंकर जिन्हें माँ बाप कहते रहते हैं कि बच्चा तुम्हारा तो शायद ऑल इंडिया रैंक वन टू टेन के बीच में होगा right. उन बच्चों के साथ, साथ ये दिक्कतें ज्यादा होती है तो आज आपके लिए वही लेके आए हैं क्या खास बातें हमें फॉलो करनी है बिल्कुल खास उन दिनों में जी चलिए सबसे पहली important बात जो है आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है थोड़े दिनों में एडमिट कार्ड तो आने वाले हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं उसका क्या प्रोसीजर है सर उसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे जी। मार्च के आखिरी हफ्ते में एडमिट कार्ड आने वाले हैं ध्यान रखिएगा सो so, बेटा जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर right. है यदि वो आपके अपने शहर में है तो कोशिश कर लीजिए एक दिन पहले जाकर के वो सेंटर जरूर देख लीजिए राइट right? मैं दिल्ली जैसे शहर की आपको बात कर करता हूँ वो नॉर्थ दिल्ली के एरिया में रह रहे हैं और उनका सेंटर okay. जो है वो साउथ दिल्ली में पड़ा है तो बच्चों ने कहा जी कोई बात नहीं है एक दो घंटे पहले घर से निकलेंगे पहुंच ही जाएंगे एनसर कई बार स्कूल के नाम इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि बच्चे उस दिन ढूंढ नहीं पाते पा और कई बार सर ये भी हो जाती है आपको बताना चाहूंगा बेटा बहुत साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो होता था ना वो ए जाके ही देना अलीगढ़ में ही बच्चों को जाना होता था सो सर कई बच्चे तो एक रात पहले पहुंच जाते थे भाई यहाँ होटल में स्टेल करेंगे एक साल क्या हुआ कि बहुत से बच्चों ने सोचा कि भाई हम सुबह ही निकलेंगे सुबह की निकले ट्रेन पकड़ेंगे जाएंगे okay. सर कितने बच्चे तो रेलवे स्टेशन से सेंटर तक पहुंच ही नहीं टोटल सिटी पहुंचता है बिल्कुल तो डेंसिटी कितनी इंक्रीज हो जाए जो लोग गाड़ियों से अपनी दिल्ली से चले से दिल्ली से अलीगढ़ का ज्यादा सफर नहीं है सुबह सुबह चार बजे जो निकले दिल्ली से वो भी नहीं पहुंच पाए इस तरह का ध्यान रखना आपको एक दिन exactly. पहले आ, सेंटर विजिट कर ले बिल्कुल जी राइट जी अगर आपके शहर से दूसरे किसी शहर में पढ़ा है तो तो सर और भी जरूरी हो जाता है कि आप एक, एक दिन, दिन पहले पहुंच जाए पहले पहुंच जाए वहां पे अपना बोर्डिंग पहले पहुंच और वो जो होटल बुकिंग और जो भी आपको ट्रेवल बुकिंग्स करानी हैं जैसे ही एडमिट कार्ड आता है और पता चलता है सेंटर का वो जरूर करा लीजिए राइट जी

ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा उस दिन ये चीज right. सुनिश्चित कर लीजिए जैसा कि सर ने कहा कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे आपके पास पूरी डिटेल्स आएंगी कितने बजे वो आपको अंदर एंट्री अलाउ करेंगे right. चेकिंग में कितना टाइम लगेगा और वो पूरी लिस्ट ड्रेस कोड एवरीथिंग वो सब आपको ऑलरेडी पता है hmm. आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर भी करेंगे आपके बिल्कुल जी राइट जी तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आता है सर की बच्चे को अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी होता है यार जब भी आप जिसे जल्दी पहुंच अगर आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल एग्जामिनेशन uh, सेंटर पर तो ऑब्वियसली वैसे ही रिलैक्स्ड रहेंगे अगर हड़बड़ी नहीं होती किसी चीज की तो वैसे ही रिलैक्सेशन होता है बच्चा क्योंकि दोनों वैसे वर्सा चीजें अगर हड़बड़ी है तो रिलैक्सेशन नहीं हो सकता रिलैक्सेशन है तो हड़बड़ी नहीं हो सकती अगर आप टाइम पर पहुंच रहे तो आप रिलैक्स रहेंगे वैसे भी ठीक है फिर थोड़ा सा पहले आपकी जब एंट्री हो जाती है तो आप अपने आप को थोड़ा सा काम रखते हैं गर्मी का टाइम है सर पानी पीना और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना कितना इंपॉर्टेंट होगा यस बिल्कुल जी तो ये सारी चीजें ध्यान रखें, रखें। आपको और ये सब भी आपको पता चल जाएगा कि क्या पर्सनल वाटर बॉटल आपकी अलाउड होगी अंदर या नहीं जैसे ही नीट का एडमिट कार्ड आएगा ना इस इसपे भी आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे कुछ बच्चे सर डायबिटीज पेशेंट भी हो सकते हैं उनके लिए कुछ कुछ चीजें जो है अलग से निर्धारित करी गई है जो अपने साथ ले जा सकते हैं भी आपके साथ वीडियो हम वो उसके लिए

तो वो जो दस मिनट होते हैं ना उसमें क्या करते हैं ऐसे बैठ के ना फॉर्मूला रिकॉल करते हैं अच्छा ऑप्टिक्स का वो फॉर्मूला बायोलॉजी के जेनेटिक्स में मैंने ये पढ़ा था का ये पॉलीमर्स का वो यार वो सब आपको ऑलरेडी पढ़ रखा है अब उस मिनट में कोई तीर ना मार लेना है आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी है केयरफुली और इस टाइम बहुत जरूरी है सर इस साल क्योंकि नीट और एम्स को मर्ज किया क्या पता क्या नहीं कोई अलग इंस्ट्रक्शन हो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है पता नहीं है कि सर कौन सा क्वेश्चन किस तरह से वो ट्विस्ट करके

मैं आपको एक राय दूंगा कि अगर आप बायोलॉजी सेक्शन पहले अटैम्प्ट करते हैं तो यह बहुत बेहतरीन रहता है क्यों

करना है कि उसके आंसर्स जो जो 91 हैं। जो हैं तो वो नंबरिंग नंबरिंग राइट आपकी आ रही है है क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में OMR शीट भरते समय उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कई बच्चे गलती कर जाते हैं सर नंबर से बायो शुरू सारी बेकार हो जाएगी यहाँ पर आपने बहुत ब्यूटीफुल कई बार थोड़ा, थोड़ा आगे आ जाइए सर स्क्रीन हाँ, कई बार, बार बच्चे ये करते हैं ना सर कि हम लोग जो है सर लास्ट में ओ एम आर शीट को फिल करेंगे वो मेरा तो हमेशा सजेशन ये सर जैसे कि हम आपने भी जैसे सजेस्ट किया और इतने सालों से हम करते आ रहे हैं कि बायोलॉजी पहले करें क्योंकि कहीं ना कहीं बायो इन बच्चों का स्ट्रॉन्ग है कॉन्फिडेंस आ खींच लिये फिर जब आप वंस यू डन विद बायोलॉजी जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो उसी के हाथ के साथ बायोलॉजी की ओएमआर शीट डन कर लो बिल्कुल

मिनट से ज़्यादा मुझे लगता है इससे कम में भी हो जाता कई बच्चों में से आपने सपोज पचहत्तर ही पढ़ पाए तो पंद्रह अभी छोड़ दीजिए क्योंकि आपने बायोलॉजी का टाइम खत्म कर, कर लिया अब exactly. आप केमिस्ट्री पर मूव ऑन करिए राइट सेकंड जो सेंसिबल रहेगा कि आप की आप केमिस्ट्री सेक्शन परफॉर्म कीजिए बेटा बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है स्कोरिंग hmm. एरिया भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से सारा जो कुछ भी पूछा जाता है जो कुछ भी प्रीवियस ईयर में पूछा जाता right. है अगर बच्चे यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो एक्चुअल में रिपीटेशन होता है नॉट ऑफ द्वेश्चन बट

मैक्सिमम मार्क्स को गेन करना। कर, वहां पर बैठकर right. वो आपके कॉन्फिडेंस को बुस्टअप करेंगे exactly. और सर जब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है ना right. तो हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से, से देते हैं क्योंकि फिर बच्चे को लगता है कि यार M. M. में मेरी सीट पक्की हो गई right. <laughs> लगता है कि यार मेरा मनपसंद कॉलेज जो है वो मुझे मिल गया बिल्कुल तो, तो फिर स्मार्ट है पेपर को अप्रोच करने का बिल्कुल अगर आप पहले फिजिक्स लेके बैठ गए और आपने एक घंटा फिजिक्स में लगा दिया और तब भी इतने धुरंधर नहीं हो सकते कि सारे के सारे ये साइकोलॉजी होती है सर आप हमेशा आ, जैसे हम जब पेपर साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं जब भी इतने सालों से आप भी नीट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं रहे। तो ऑब्वियस बात है आप बायोलॉजी के टीचर है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रोफेसर्स के साथ आप इतने सालों से है, तो 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 डिस्कशन होती है हमें नॉलेज हमेशा से साइकोलॉजिकली प्ले किया जाता है फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर डालते हैं जिसमें वो तुम्हें ये मजबूर करेंगे लुभावना लगेगा सर लगेगा कि यार ये कटोरी में रखा ग्रैप है फटाफट से खाऊ में स्वादिष्ट लगेगा लेकिन जब खाने जाएंगे तब वो उसमें से बीज निकलेगा ाहट होगी नहीं हो उतना तो ये एक्चुअली सर बायोलॉजी को करने से रोकता है राइट right. क्योंकि यहां बच्चा उलझने की कोशिश करता है तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इफ यू आर टेकिंग मोर देन वन मिनट

उस क्वेश्चन को स्टार मार्क करें किसी भी तरह का सिंबल बनाएं और आप वहां से आगे बढ़ जाइए, होल्ड कर जाइए स्मार्टनेस बहुत जरूरी है पेपर को अटेम्प्ट करने में आपका ज्ञान आपका काम आएगा ज्ञान एक लिमिट तक बिल्कुल कितना स्मार्टली किया अगर मैं कह दूं कि इस पेपर को पांच घंटे में सोल्व कर लें तो फिर आप लगे रहो हो सकता है सारे के सारे बच्चे पूरे नंबर ले जाएं वो जो घंटे निर्धारित किए गए गए हैं ना वो बड़ा सोच समझ के करे मेरे ख्याल से सर ये ये तरह की साइकोलॉजी भी होती है आगे चल के जिस तरह का काम इन्हें करना होता है जैसे डॉक्टर बनना है एक एक नई तरह की बीमारी बच्चे के सामने आती है बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास आपके पास दस घंटे है पेशेंट को बचाने के लिए कई बार हम खबरें सुनते हैं की डॉक्टर के पास केवल और केवल आधा घंटा है right. अपने required, आपको डिसीजन लेना है डिसीजन भी लेना है और exactly. प्रोसीजर भी कंप्लीट करना, करना है, है और ऑब्जर्वेशन इतना yes. जबरदस्त होना चाहिए उसमें एंड so, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी बड़ी क्विक होनी, होनी चाहिए बिल्कुल जी सो so, ऐसे बहुत से बेहतरीन सेशन हम और आपके साथ लेकर <laughs> आते रहेंगे हमने ये सेशन बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है right. गया जरूर एंड तक और टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिए जिससे इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं आगे की बातें सर आपको बता रहे हैं बिल्कुल टाइनी वायरल डॉट कॉम शीट मोबाइल बहुत बेहतरीन फीचर है बच्चा जिसके चलते आपको रिविजन में काफी मदद मिलती है एंटायर इंडेक्स आपको एंटायर सिलेबस यहाँ पर एक इंडेक्स फॉर्म में मिल जाता है जिससे आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हैं नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं

है जो कि किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर uh, करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा उसी के साथ साथ यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस है सर आप और हम जब पढ़ते थे तब ये अनलिमिटेड एक्सेस कहीं पाया जाता ही होता था बिल्कुल सर लिमिटेशन होती शायद, थी। शायद, हाँ, बिल्कुल। so, ये बहुत बेहतरीन सुविधा आपके लिए कि इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं जो right. भारत का अपना चैनल है नीट लाइव डेली right. और सब्सक्रिप्शन मॉडल एक सफलता की कुंजी है मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल जी यहाँ पर बस बच्चों को कुछ नहीं करना है सर अन का लर्निंग एप आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद में प्लस पे जाना है नीट को सेलेक्ट करना है जिसकी आप प्रिपरेशन करते हैं गेट सब्सक्रिप्शन उसके बाद में यहां पर ये

क्योंकि सर केवल पांच हजार रुपए एक्सेस में बच्चे को एक साल से दो साल का जंप मिल जाता है बिल्कुल और, और बेटा जैसे अगर आज भी आप लेते हैं ईयर का सब्सक्रिप्शन तो मैं सजेस्ट करूंगा टू ईयर का अब आप सोचेंगे हमने तो नीट ट्विंटी ट्विंटी वन देना, तो नीट देना टू ईयर क्यों बिकॉज बेटा जिस तारीख को आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन एक साल बाद एंड हो जाएगा बिल्कुल आपने बारह मार्च को लिया तो अगले साल ग्यारह मार्च को खत्म सो बेहतर ये होगा कि आपको दो तीन महीने और एक्स्ट्रा दोबारा लेने पड़ेंगे अभी आप टू ईयर का ले लेंगे तो और बेटर है क्योंकि हमें नहीं पता अगले साल

जुड़ने का चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा आगे और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे नीट से रिलेटेड जुड़े रहिएगा हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट गाइज थैंक यू सो मच बाय